हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सारे बढ़िया से होंगे। बहुत दिनों से मैं वीडियो लेके नहीं आ पा रहा था, कारण कई सारी ऐसी है चीज़ें हैं जिसके कारण मैं आप लोगों के बीच में वीडियो नहीं लेके आ पा रहा था। आज ऐसी समस्या हुई कि हमारी एक गाय है जिसको काफ़ी ज़्यादा गैस हो गया है, पेट फूला हुआ है, शांत से बैठी हुई है, तो उसको हम लोग कैसे जल्दी से ठीक करेंगे इसके बारे में वीडियो बताएंगे। बहुत सारे फार्मर होते हैं जो कि गैस हो जाने से पशु हमारा काफ़ी ज़्यादा शांत होकर बैठ जाती है, जिसके कारण समस्या कई सारी ऐसे बढ़ जाती है और धीरे धीरे बीमार जो है सो अफारा का रोग ले लेता है, और अफारा हो जाने के बाद में काफ़ी ज़्यादा समस्या झेलनी पड़ती है। तो इसको हम लोग ना आने दें फार्म पे, और कितना कम मतलब कम लागत में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में ही अगर बोल सकते हैं तो कुछ पैसे लग रहे हैं जिसको आपको फार्म पे रखना ही होगा, जिसके लिए हमें नींबू का अचार चाहिए और नमक चाहिए। तो ये कैसे देना है, कब देना है, किस तरह से देना है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। और मैं माफ़ी चाहता हूँ, बहुत सारे भाइयों का कमेंट और जवाब मैं नहीं दे पा रहा था, काफ़ी ज़्यादा बिजी था। आज से वीडियो अब लगातार आएगी वीडियो, और देखते हैं कितना जो भी है धीरे धीरे समस्या एक्चुअली में जो भी कमेंट आए थे उसका जवाब मैं देने का कोशिश प्रयास करते लगा रहूँगा। तो डेयरी से रिलेटेड अगर आपको जानकारी लेनी है तो वीडियो को पूरा रखिएगा, और गैस से आपको अपने पशुओं को छुटकारा जाए तो भूख बढ़ाना चाहते हैं तो भी इसमें काम करेगा। तो चलिए देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं, ये वही गाय है जिसको गैस हो गई है, बदहजमी बोल सकते हैं या फारा बोल सकते हैं। फारा का फर्स्ट स्टेज होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा गैस हो जाता है, पशु खाना नहीं खाता है, पशु एक बार चारा खा के उड़ने के बाद में काफ़ी ज़्यादा सुस्त हो जाती है, जुगाली वगैरह बंद कर देती है। यहाँ पे देख सकते हैं अभी जो सुबह का खाना मिला हुआ है वो खाना पूरा का पूरा छोड़ी हुई है। तो इसमें बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है, इसमें हम लोग तुरंत क्विक इलाज करेंगे। इसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले नींबू का अचार चाहिए। जो नींबू का अचार आपके फार्म पर होना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, अभी हम नींबू का 3 नींबू लेके आए हैं जो कि अचार का डब्बे से लेके आए हैं, और इसमें हम लोग नमक मिलाएंगे और नमक मिला के इसको खिलाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा इंतज़ार करेंगे। उसके बाद ये जुगाली भी स्टार्ट करेगी, इसका पेट भी डाउन होगा, और एक अफानील करके एक आता है जो सिरप आता है गैस का, उस सिरप की आप लिक्विड भी पिला सकते हैं इसके साथ में कुछ मिनटों बाद। तो यही सारी चीज़ समस्या आ जाती है कभी कभी, जिसको आपको रखना है, सबसे पहले नोटिस करना है कि आपकी गाय में प्रॉब्लम क्या है। गैस, आपका पेट गाय फूले और रहेगा, गाय सुस्त रहेगी, जैसे अभी ये सर नीचे करके है। बाकी आगे की समस्या आगे सारा चीज़ बताते हैं, वीडियो पे बने रहिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 3 नींबू और नमक है जो कि हम लोग इसको अच्छे से मिलाएंगे। उसके बाद पशु को, अपने पशु को, गाय हो या भैंस हो, बकरी हो, उसमें क्वांटिटी घटेगा, और ऐसे करके हम लोग इसको देंगे। उसके बाद 30 मिनट्स वेट करेंगे, और 30 मिनट्स वेट करने के बाद हमारे रिजल्ट जो है सामने में रहेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी सी बॉडी भी डाउन लग रही है आपको, लेकिन फिलहाल हमारी गाय जो गैस से और अफारा रोग से जो समस्या से जूझ रही थी उससे हमारी गाय निकल चुकी है, और देखिए कितनी सुंदर से जुगाली कर रही है। खाना लगभग 2 टाइम का अगर खाना हम देखा जाए तो इसने नहीं खाया, और कारण ये था कि ओवर डोज खा जाने के कारण जो है सो खाना में इसका ये समस्या आया था। एक्चुअली में ये बीमार पड़ी थी, और बीमार पड़ने के बाद सर्रा का जो इंजेक्शन वगैरह सारा चीज़ लगा था, निलबेरी वगैरह, उस टाइम पे ब्रेक था कि डिवॉर्मिंग नहीं होना चाहिए, तो डिवॉर्मिंग भी नहीं हुआ था। उस टाइम पर डिवॉर्मिंग नहीं हुआ तो लीवर टॉनिक नहीं चला, तो आफ्टर डिलीवरी जो डिवॉर्मिंग होता है वो हमारा जो है सो टाइम से नहीं हो पाया, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा समस्या बढ़ गई और ये समस्या झेलनी पड़ी। तो खैर कोई बात नहीं है, ये भी जो भी था गैस का प्रॉब्लम वो उससे निकल चुकी है, अब धीरे धीरे ये लाइन पे आएगी। इस बार भी अच्छा खासा ग्रो की थी, लगभग 18, 18.5, 19 लीटर दूध पे आ गई थी, लेकिन फिर क्या करें, अब समस्या ही ऐसी थी। तो खैर कोई बात नहीं, आपको भी अगर आपके भी फार्म पे ऐसा चीज़ होता है तो नींबू का अचार घर पे जरूर रखें, नींबू का अचार साथ में नमक, यही दोनों चीज़ करें। और कल का वीडियो ये रहेगा दोस्तों, कल का वीडियो में मैं दूध बढ़ाने का एक ऐसा सरल उपाय और बिल्कुल कम लागत में, ना के बराबर में लागत में, अच्छा खासा दूध डेवलपमेंट करने का उपाय मैं बताऊँगा। और जो भी डेयरी से रिलेटेड सवाल जवाब रहेंगे वो आप लोग कमेंट कीजिएगा। हालांकि मैं कई दिनों से वीडियो नहीं लेके आ पा रहा था, कारण बहुत सारी है, समस्या बहुत सारी है, और यहाँ देख सकते हैं हमारी
जो फार्म के इस साइड पे है, ये सारा चीज़ काम कंस्ट्रक्शन का लगा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं ऑन द प्रोसेस काम है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, वो सारा फार्म अपडेट में वीडियो जो आएगी उसमें सारा चीज़ को बता दूंगा। तो अभी फ़िलहाल आज के बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो पे। जानकारी कैसी लगी हो ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कल का वीडियो में दूध बढ़ाने का उपाय ज़रूर बताऊँगा। कल संडे है, कल के वीडियो पर लोग बने रखिएगा।